हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ सारे अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ बेसिक केयर ऑफ जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड, कि जर्मन शेफर्ड कैसी ब्रीड है। सो गाइस, ये रही मेरी जर्मन शेफर्ड, इसका नाम रॉक्सी। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जर्मन शेफर्ड एक फ्रेंडली डॉग होता है, ये बच्चों के साथ जल्दी घुल मिल जाता है। तो गाइज, इसकी बाइट फोर्स जो PSI होती है वो 238 से 291 तक होती है, मतलब 238 से 291 तक PSI होती है बाइट फोर्स। तो गाइज, आप सपोज कर सकते हो कि इसकी बाइट फोर्स क्षमता कितनी ज़्यादा वो है ज़्यादा। तो सो गाइज, अगर आपके घर में जर्मन शेफर्ड डॉग है, तो उसके लिए मेक श्योर आपके घर में खुली जगह होनी चाहिए, बड़ी जगह होनी चाहिए। ये बड़े डॉग्स हैं, ये लार्ज ब्रीड्स में आते हैं जर्मन शेफर्ड। तो गाइज, इनके लिए सुबह शाम की मॉर्निंग वॉक तो कंपलसरी है, इवनिंग वॉक एंड मॉर्निंग वॉक तो कंपलसरी है, और घूमने के लिए ज़्यादा स्पेस भी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे से घर में रख लिया आपने, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़ा घर चाहिए इनके लिए घूमने के लिए। सो गाइज, आप देख सकते हो ये ब्रीड को कितनी हैवी ब्रीड है, और देख सकते हो आप एग्रेशन कैसी है। गाइस, बात करें अब इनके रहने की, अगर गाइस आपके घर में एसी है तो मच बेटर, और कूलर है तो भी सही है, लेकिन पंखे में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके ये बाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो जबकि मीडियम कोट है, इसको बहुत गर्मी लगती है, लॉन्ग कोट में तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी। सो गाइस, आप देख सकते हो शॉर्ट कोट लाना अगर आपके घर में कूलर एसी नहीं है तो, कूलर और पंखा है तो शॉर्ट कोट ही बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो है लॉन्ग कोट और मीडियम कोट से शॉर्ट कोट बहुत अच्छा होता है। सो गाइज, अगर आप या आपकी फैमिली कोई डॉग लेने की सोच रही है, तो मेरे हिसाब से तो आप जर्मन शेफर्ड पे ही जाइए, ये क्योंकि फैमिली डॉग भी है और एग्रेशन भी बहुत है। सो ये बच्चों के साथ जल्दी घुल मिल जाती है। सो गाइज, आज की वीडियो सिर्फ इतनी, तो मिलते हैं जल्दी गाइज नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।